से बहुत परेशान हैं। 3 लड़कियां विकलांग हैं, अब इन्हें पीछे हम हरदम लगे रहते, देखभाल दिन भर करा, उठा बैठा बा, संडास ले जा, सौचा बा। 19 साल की बच्ची है, एक 13 में लगा है, एक 12 साल का। मतलब अपन दैनिक क्रिया वह नहीं कर पाते लड़की कुछ नहीं, एकदम ये नहीं, खवाइन पियानी इतना समस्या कि कहाँ कमाई जाए तो परेशान, कहाँ जाए नहीं पाता है, नहीं पीछे लगे रही थे। इनका पाला पोसे में का समस्या आ रही थी। पहले पोषण हुआ, अब जो नहीं है, थोड़ा बहुत रोका सूखा होती है, खवाई थी, अब क्या करी, बड़ी समस्या है। और दवाई दर्पण किनकर दवाई दर्पण अब जो जुड़ा जुहान कर्जे ऋण कर्जा काट के इधर उधर सगले से करान धरान ठीक है नहीं था, डॉक्टर बोलता है इसका कोई इलाज ही नहीं है। तू का करब अब अब का करिए, परेशानी है, अब इन्हें सेवा करी ला है, अब बैठा रहते कहाँ ना जा पाए थे, कहाँ ताकि बैठा रहते। और कौनो सहयोग के उसे सहयोग हमारा ना, ना घर द्वार है कुछ नहीं, ना संडास बाथरूम, इनका बगारे में ले जा, संडास बाथरूम सब करावा, बड़ी परेशानी है। सरकार से है चाहते कि हम की थोड़ा ध्यान दें। नहीं वो कहती सूर्य यही सूर्य के लापने लागे। नमस्कार, मैं विनोद सिंह, दमंग, भोपाल न्यूज़ सीधी से। आज मैं यहाँ तेंदुआ नंबर 2 में आया हूँ। यहाँ का एक फोंधिया परिवार है, मैं उनका हालात दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं अपने शब्दों से उनका हालात बयां कर पाने में सक्षम अपने आप को नहीं पाता। मैं उनका हालात दिखाने की कोशिश करूंगा और बयां करने की कोशिश करूंगा कि किस दयनीय स्थिति में वो जीवन यापन कर रहे हैं। उनके 3-3 बच्चे विकलांग हैं, उनके जीवन यापन का कोई साधन संसाधन नहीं है। यहाँ देखा जाए कि तरह तरह की योजनाएं हैं, एनजीओ चल रही हैं, शासन प्रशासन की तरफ से कई सारी योजनाएँ चल रही हैं, पर वो योजनाएँ धरातल पर नहीं पहुँच पा रही हैं। इनके हालात देखें तो यह योजनाओं से कितनी दूर हैं, कोसों दूर हैं, उनके तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती। यहाँ देखा जाए समाज सेवी हैं, राजनेता हैं, और कई सारे देखा जाए तो दानवीर हैं, पर उनका दान, उन समाज सेवियों का समाज की सेवा और उन नेताओं का समर्पण यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो मैं इनकी हालात दिखाने की कोशिश करूँगा और उन समाज सेवियों से, उन नेताओं से, उन दानवीरों से कहना चाहूँगा कि यदि आपकी ज़रूरत है तो यहाँ पे है, ऐसे परिवारों के साथ आपकी ज़रूरत है, ऐसे परिवारों के साथ आपको खड़ा होना चाहिए, तो ताकि इनके जीवन यापन कुछ दूर तक चल सके आप लोगों के सहयोग से, तो इनकी भी दुआएं आप तक पहुंच पाएंगी। और मैं आह्वान करूंगा न्यायपालिका की भी, न्यायपालिका की, कि वो इसको तत्काल संज्ञान में लें, और यदि इनकी व्यवस्था वो नहीं करा पाते हैं, इनकी व्यवस्था जीवन यापन की नहीं करा पाते हैं, तो ये कहते हैं कि हमें स्वेच्छा से मृत्यु तक देने की गुजारिश करते हैं। धन्यवाद। दमंग भोपाल न्यूज़ सीधी से विनोद सिंह। और क्या समस्या आती है? दर्द भी रहता है? हाँ, हाथ पांव में दर्द भी रहता। बरबर दर्द बना रहता है? हाँ। दवा चलती है? नहीं नहीं चलती। दवा काहे नहीं चलती है? प्रॉब्लम की वजह से। प्रॉब्लम है? डॉक्टर बोलते कोई इलाज नहीं। कोई इलाज नहीं? कुछ दवा हुई है? हाँ, बहुत सारी दवा हुई थी। कहाँ कहाँ बता पाएंगे क्या? गुजरात में और हर जगह पे, जबलपुर में भी हुई थी, अभी राजस्थान सब थे, उदयपुर। आप शासन प्रशासन से कुछ मांगना चाहेंगे, कुछ सहयोग मांगना चाहेंगे अपने? हाँ, सरकार दे दे। इसे तेज नहीं बोल पाते? बोल लेते हैं। डर लग रहा है? नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। कुछ मांग रखना चाहेंगे अपने सहयोग के तौर पे? हाँ, हर तरह की सुविधा चाहिए। हर तरह की सुविधा चाहिए। जैसे? हर तरह की, जैसे तकलीफ होती है। तकलीफ होती है,
लेटरिंग बाथरूम भी आने जाने में दिक्कत होती है। हाँ, उठा के ले जाते हैं, घर और नहीं। और खाने पीने का साधन? खाना हो गया, मम्मी पापा लोग जब तक है तब तक दे, फिर बाद में पता नहीं कोई देगा कि बाद में किसके फारे रहेंगे पता नहीं। नौकरी चाहेंगे फाफन फिर? अगर देंगे तो करेंगे। कौन कौन विकलांग है? हम लोग, मैं और मेरे दो भाई। नहीं, रोने दो, रो मत। क्या क्या नाम है? आकाश, आयुष। ये भी जन्म जात विकलांग है? नहीं, पहले से। बाद में? हाँ। इनकी भी देखभाल कौन करते हैं? मम्मी पापा। मम्मी पापा करते हैं। तो कैसे हो पाता होगा इन सभी, आप लोग तीन लोग विकलांग हैं, मम्मी पापा आप लोगों की व्यवस्था करते होंगे, या कहीं पे आप लोगों की अर्निंग की, आप लोगों के पेट पालने के लिए कहीं जाते होंगे नौकरी करने, क्या कैसे करते होंगे, सारी चीज़ कैसे व्यवस्था कर पाते हो? हो गया, पापा ऑटो चलाते हैं, जो वही खाने पीने तक का बचाते हैं, बस हो गया। खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है उससे? दुख है का? दुख है यह देखा है। इनका फेवर सहाई कई पावल रहा, और हमारे जागा नहीं है, लड़का करा ला जाऊ करिया पापा मारी है। तो कहा चाहिए थे? अरे हम तो बहुत चाह ला, कहा था कि हमका दाई दे दे गटाई, तो हमें कहा गटाई बेच के अपन घर द्वार बना ले, भाई में नहीं आए नहीं करता ही हमारे जिया, तो हम बाबा कही फेर बला आव है हम का करी, तो वही थे हम कुछ नहीं करी, इतना हमारे ध्यान गटाई गुटुआ है थोड़ बहुत। हाँ, गटाई गुटुआ है। हाँ, कटाई गुटुआ है, कटाई जीवन यापन तक का है। हाँ, जीवन यापन हो जी इफन समस्या में। हाँ, इफाफन प्रफाफन पे कुछ मदद चाहिए? चाहिए कुछ तबाही हो लाला। यदि स्वेच्छा से कोई इनका सहयोग करना चाहता है तो इफ नंबर पे दिए हुए नीचे नंबर पे, और इनके अकाउंट में, इनका अकाउंट भी नीचे दिया गया हुआ है, तो डायरेक्ट आप इनके सहयोग, इनके खाते में सहयोग राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।